ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम जो भी समय इकट्ठा बैठते हैं उसकी जो एनर्जी है वो बाबा को खींचती है, और यही हमने कल देखा। हम बाबा के आह्वान में बैठे थे तो बाबा आए और मिले। तो जो समझते हैं बाबा आए और मिले वो हाथ खड़ा करें। और बाबा ने बहुत प्यार किया, ऐसे ऐसे पर्सनली प्यार जिसको किया वो हाथ खड़ा करें। पर्सनली मुझे, मेरे लिए आए, है ना। ये छोटा बच्चा भी, आपको भी प्यार किया बाबा ने, कितना प्यार किया। शो मी, स्टैंड अप, सोफा पे खड़े हो जाइए, सबको दिखाइए, दिखाइए कितना प्यार किया बाबा ने। बैक करो। तो ये है बाबा, बहुत बहुत प्यार का सागर। तो संगम युग ही एक ऐसा समय है जब प्यार की बातें होती हैं, लेकिन वो अनोखा प्यार होता है, क्योंकि 2500 साल से हमने मोह को और विकार को प्यार का स्थान दे दिया था। मोह होता था तो हम समझते थे हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमें चिंता है ना, माँ है, बाप है, पत्नी है, बेटी है, तो मैं कैसे नहीं चिंता करूं। लेकिन वो प्यार नहीं था, वो मोह था। और कोई भी देह की आकृति, रंग रूप से आकर्षित होकर के हम जो समय और जीवन की शक्तियाँ दूसरों को देते थे वो प्यार समझते थे। हम जान भी देने के लिए तैयार हो जाएं उसको भी प्यार समझते थे। तो लेकिन बाबा ने क्या बोला कि बच्चे वो विकार है, ये मोह है, ये विकार है। अच्छा बाबा, तो प्यार क्या है? क्योंकि हमें तो ये सिर्फ दो ही आते थे ना। तो बाबा ने खुद धरती पर आकर के प्यार के सागर ने प्यार से संबंधित पूरी वॉक्यूबलरी, पूरा शब्दकोश, पूरी गहराई अपनी सिर्फ उपस्थिति से हमारे सम्मुख आकर के, हमारे सम्मुख बैठ करके परमात्मा ने शरीर को धारण करके आकर के एक सेकंड में समझा दिया कि बच्चे ये है प्यार। तो पहले हम कुछ करने को प्यार समझते थे। तुम्हारे लिए देखो हमने कितना खर्चा किया है, तुमको हमने कितना टाइम दिया है, अलग अलग प्रकार से, लेकिन कुछ करना। लेकिन बाबा ने सबसे पहला अनुभव आध्यात्मिक सच्चे प्यार का कौन सा बताया? प्यार का स्वरूप, स्विच ऑन। जैसे सूरज है, वो किसी को लाइट देने नहीं जाता, वो लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वो हमारे घरों में आता है लाइट देने के लिए, लेकिन कितना ऊंचा है। तो बाबा भी आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं, और वहाँ पर लास्ट में कोई बैठा होता है, एकदम लास्ट में, वो उसके भी आंसू निकल रहे होते हैं कि बाबा मुझे प्यार कर रहा है। कौन थे जो कल लास्ट में बैठे थे? अच्छा, आज आगे बैठ गए आप, जो आगे बैठने वाली क्लास सुनने नहीं आए और पीछे बैठने वाली क्लास सुनने आए। और कौन है जो सबसे एकदम पीछे वाली लाइन में बैठे थे, है ना? तो महसूस हुआ ना कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो आध्यात्मिक प्यार की सबसे बड़ी जो यूनिक बात है, मज़ेदार अनुभव है, कि वो कुछ ना बात हुई, ना कुछ खिलाया, ना पिलाया, टच भी नहीं किया, लेकिन आपको बाबा ने
दुनिया में कहते हैं ना, प्यार में घायल कर दिया, यहाँ तो मार दिया, सिर काट दिया. कौन सा सिर काट दिया? मैं, ये मैं हूँ, मैं स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सब. क्योंकि घायल करते तो हम भाग जाते थे, बाबा नहीं, वो आ करके, क्योंकि प्यार का सागर है. तो इसीलिए अगर संगम पर जो चीज़ हमें समझ नहीं है पूरे कल्प के लिए, वो है प्यार की कहानी, प्यार की फिलॉसफी. जितना भी ज्ञान हम सुन रहे हैं भगवान से, वो अभी हमें क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे जो हार्ट्स हैं, दिल हैं हमारे, वो बंद हो गए, उसके सारे दरवाजे. शाम को गुप्ता जी क्लास करा रहे थे ना, आपको पता है वो हार्ट के डॉक्टर हैं, लेकिन गुप्ता जी का भी डॉक्टर कौन है? हाँ, उनके हार्ट का भी रखवाला कौन है? उनको भी प्यार करना किसने सिखाया? दिल वाला बाप ने सिखाया. तो हमें अपने सबसे पहले, अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम भगवान प्यार के सागर के पास पहुंच गए. तो दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया. अगर हम यहाँ ना आते और कितना भी कोशिश करते अपने जीवन में लोगों को समझने की, परिवार वालों को समझने की, संबंध जोड़ने की, लेकिन हल नहीं निकलता था. तो स्नेह की खेती सिर्फ एक बार हो सकती है. खेती माना सबसे पहले होता है बोना. तो स्नेह की खेती का समय है संगम. पूरे चक्र के अंदर में आपको सतयुग में बैठ करके स्नेह के बारे में सोचना नहीं पड़ता है. हम प्लान नहीं बनाएंगे. मैं कोशिश करती हूँ, लक्ष्मी सुबह सुबह उठ के सोचे, मैं कोशिश करूँगी नारायण के प्रति शुभ भावना रखने की. या नारायण ये सोचे, जो कुछ भी हो, लक्ष्मी है तो मेरी ना, कैसी भी हो, संस्कार होगा ये संकल्प. तो इसका मतलब ये है कि वो स्नेह की खेती का टाइम नहीं है. उस समय हम स्नेह की फसल खा रहे हैं. और जब हम आगे बढ़ते हैं, द्वापर में आते हैं, उस समय भी हम स्नेह की खेती कर नहीं सकते. कारण क्या है? फसल खत्म हो गई, खा लिया, चाहिए स्नेह लेकिन बीज नहीं है, ज्ञान नहीं है. क्या होता है स्नेह, इसका क्या अनुभव होता है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, कौन सा हमारा फूड हो जाता है, बुद्धि का फूड? मोह और विकार, राइट? तो ये जो है सप्लीमेंट्री टू लव. जैसे आजकल डाइट में जो भोजन नहीं खा सकता उसको कैप्सूल देते हैं ना, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देते हैं, तो वो हमने माया से ले लिए, लेकिन ताकत खत्म हो गई. बहुत कुछ हुआ प्यार के नाम पर. और आज के दिन में द्वापर बीत जाने के बाद, कलयुग पूरा बीत जाने के बाद, जितने भी हमने झगड़े और युद्ध के साधन, एटम बॉम्ब्स, कई बार मैं बताती हूँ कि जिस देश में बाबा ने हम बच्चों को सेवा के लिए रखा है, वहाँ पर रोज़ की रूटीन में अनमैन्ड, बिना मनुष्य के कंट्रोल किए जाने वाला, पूरे विश्व को ख़त्म करने वाला एटॉमिक बॉम्ब्स का सेटअप, बिना मनुष्य के, एक बटन पर चलने वाला, एक बटन,
वो कब से तैयार है। तो ऐसी चीज जो कब से तैयार हुई, तो मतलब कलयुग का तो अंत वही होगा ना। अभी तो थोड़ा सा एक्सटेंशन का टाइम है, संगम का चल रहा है, हम थोड़ा सा तैयार हो जाएं तो बाबा हमारे साथ हैं, वो भी पूरा हो गया। तो उन सब का जो कारण है, इतनी नफरत कि मैं ये सोचूं कि मार दो इसको, इतना गुस्सा कि रहे ही नहीं। जिनको हम अच्छा नहीं मान रहे, या जो हमारी बात नहीं मान रहे, या जो हमारे जैसा सोच नहीं रहे हैं, या जो वैसा खाते नहीं, या जो मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ और वो मेरे सामने आकर के विघ्न बन रहे हैं, तो मैं उनको मार डालूं। कितनी नफरत चाहिए इसके लिए, 100% नफरत चाहिए। तो बुद्धि के कलश में आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति की अनुभव, एकदम जीरो। क्योंकि भक्ति ने थोड़ा बहुत वो कायम रखा था, थोड़ा सा, तो इतने सब देशों में तो भक्ति भी खत्म हो गई, क्योंकि सबको बंधन में डाल दिया। धर्म निरपेक्ष, जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देंगे, सेक्युलर उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा। तो ये करते करते वो धर्म से फिर धीरे धीरे कहाँ चले गए। अगर धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे तो किसको सपोर्ट करें, अच्छा नहीं करेंगे तो अधर्म तो होगा ही ना। तो हिंसा अहिंसा परमो धर्म है, और जो धर्म को अलग कर दिया तो हिंसा अधर्म के रूप में हर राजनीति में आ गई। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास आज आर्मी ना हो, हिंसा के शस्त्र अस्त्र ना हो। क्यों? क्योंकि जितना जितना हमने अपने आत्मा के असली रूप से दूर गए, जो थोड़ा बहुत धर्म ने रोका हुआ था, हमारे पास ये साधन बढ़ते गए, नफरत बढ़ती गई, ट्रस्ट हटता गया कि लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये विश्वास खत्म होता गया। क्योंकि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ जब मुझे पूरा विश्वास हो कि कोई कुछ मुझे नहीं करेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आज किसी को ऐसा है, हर देश एक दूसरे से डरता है। तो ये नफरत से बने हुए साधन, क्रोध के कारण जो समस्याएं आईं, उन समस्याओं को हल करने के कारण जो सोचा कि साधन बनाएं, अब तो वो पूरा का पूरा विश्व उससे भरा हुआ है। तो क्या यही नहीं है सीजन प्रेम की खेती का? और कौन सा सीजन होगा? जरा सा भी तो नहीं रहा है इसने। माँ का भी अपने बच्चों से जो 100% जिसको कहें, क्योंकि खेती जब होती है तो अगर मैंने गेहूं का बीज बोया है तो 100% गेहूं का बीज बोएंगे तो फसल कौन सी मिलेगी? गेहूं की मिलेगी, उसमें कुछ और तो मिक्स नहीं हो सकता। तो स्नेह स्वरूप, माना स्नेह स्वरूप, तो वो रूप तो किसी भी संबंध में दिखाई नहीं देता है। बाबा के पास आने से पहले है कोई ऐसा जो बैठा हो जो ये कहे कि नहीं, मेरे पास ऐसा संबंधी है, था, जो 100%
बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल प्योर, गुड विशेस, कभी भी कोई नुकसान की बात सोच नहीं सकता, पॉसिबल है? नहीं था. क्यों? क्योंकि भगवान परम धाम से प्यार का सागर आकर के प्यार का बीज हम बच्चों के हाथ. ओके, थक गए आप लोग? नहीं, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ, बाबा पूछता है. थक गए नफरत करके? क्योंकि हम तब तक यहाँ नहीं पहुँचे जब तक हम थके नहीं. जब तक हम ट्राई कर सकते थे ना कि हम ठीक करेंगे सबको, हम बाहर घूम रहे थे. इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे. कहते हैं ना, ईंट का जवाब किससे? पत्थर का जमाना गया, आजकल तो मिसाइल्स और बॉम्ब्स हैं. तो वो सब जब तक हम थक नहीं गए, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो है ही स्नेह का. वो बहुत समय तक स्नेह के अनुभव के बिना नहीं रह सकती, सच्चे स्नेह के अनुभव के बिना. तो जब हमने अंदर से ये महसूस करके भगवान को याद किया तो हमारा यहाँ आने का पार्ट खुल गया. कहीं ना कहीं से हमको ब्रह्मा कुमारीज का एड्रेस मिल गया, ड्रेस मिल गई, पता मिल गया, बैच मिल गया, गीत सुन लिया जब हम बहुत थक गए. तो बाबा ने, प्यार के सागर ने कहा, बच्चे ओके, नो मोर नफरत. तो बाबा ने हमको आकर के अपने हाथ से बुद्धि में, बुद्धि रूपी हाथ में प्यार के बीज रखा. और वो प्यार का बीज क्या है? वो है ज्ञान. मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मेरे बाप की बच्ची है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है. तो ये ज्ञान और उसके साथ साथ ये अनुभव. आत्मा शब्द बहुत सी किताबों में आता है, लेकिन आत्मा का अनुभव बाबा ने यहाँ दिया. कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक ये भाग्य खुला नहीं, अनुभव नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ. तो सबको यहाँ अनुभव है ना, मैं आत्मा हूँ, है ना अनुभव? मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है, और ये तो कभी भी छूट जाएगा, क्योंकि हमें तो शरीर तब मिला था जब हम माँ के गर्भ में आए और वहाँ से बाहर आए. उसको ही हमारा जन्मदिन कहते हैं ना. आज कोई बैठा है जिसका जन्मदिन है? आज किसी का जन्मदिन है? हाथ नहीं दिखाई दे रहा, खड़े होना पड़ेगा. खड़े हुई? एक भाई है सिर्फ, दो नहीं. ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, आपको गीत गाना पड़ेगा. गाइए, ठहरे ठहरे, खड़े रहिए, गीत गाइए. नो ताली, नो ताली, गीत गाइए. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. नाम क्या है, नाम क्या आपका? कुछ नहीं सुनाई दे रहा. विक्रम भाई, हैप्पी बर्थडे टू विक्रम भाई. ठीक है, तो ये जो हमारा, थैंक यू, टोली भी चाहिए? नहीं, काफ़ी है, चलो.
तो हम आए थे, कुछ भी नहीं साथ में लाए थे, और ये सब यहाँ पर छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा तो नहीं है ना। अगर हम ये गलती कर लें, सोचें हमारा है, तो वो फिर उसका इलाज तो बाबा ने ये याद दिलाया कि ये नहीं हो, ये आत्मा है ज्योति बिंदु, और ये भी मेरा बच्चा, ये भी मेरा बच्चा, ये भी, ये सब मेरे बच्चे हैं, आप भी मेरे बच्चे हो। तो ये बीज हर मनुष्य इस दुनिया में आत्मा है शरीर में, और हर आत्मा मेरा बच्चा है, तुम भी मेरे बच्चे हो, तो इसका मतलब आपस में आप भाई भाई हो। तो मुट्ठी में ये बीज लें। तो अब ये जो बीज मुझे मिल गए, अब तो मैं इससे कितनी भी चाहूँ खेती कर सकती हूँ, लेकिन खाली बीज से फसल नहीं मिलेगी, ये तो ज्ञान मिला ना, अभी भी मिलते हैं, रोज़ बीज मिलते हैं, लेकिन किस लिए बीज मिलते हैं? डिब्बे में डाल के अलमारी में रख दो, स्नेह की खेती के बीज, रिसीव्ड इन अक्टूबर 2018, उसको देखते रहो, 2018 में मुझे ये बीज मिले थे, इसलिए मिलते हैं क्या? ये बीज मिले हैं क्योंकि अभी सीजन आ गया है, कोई कोई क्रॉप्स होती हैं, कोई कोई फसल होती है जो गर्मी में बोते हैं, कोई कोई फसल होती है सर्दी में बोते हैं, है ना, बैठे होंगे ना ऐसे हमारे खेती वाले भाई बहनें भी। अगर सर्दी की फसल को आप गर्मी में बोओगे, फसल आएगी, और गर्मी की फसल को सर्दी में बोओगे, आजकल कुछ सब मिक्स करते हैं, लेकिन वो तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो नफ़रत के टाइम पर ही स्नेह की जो फसल है वो उगाने के लिए, उसको दुनिया में लाने के लिए भगवान खुद आता है, सिर्फ अभी ये सीज़न है, और इसकी डिमांड बहुत है। आप किसी को भी देख लो, किसी से भी पर्सनली आधा घंटा बैठ जाओ, वो आपको क्या कहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस, मैं चाहता हूँ मेरे साथ सच्चा, थोड़ा प्यार से, सच्चे प्यार से मेरे से बात कर लें। कितना झगड़ा, कितनी बातें, कितने कन्फ्लिक्ट, और उसका मूल क्या होता है? हमारा जो व्यवहार था वो कहीं ना कहीं स्नेह युक्त नहीं था। हम कैसे स्नेह युक्त नहीं है, हमने इतने साल इस व्यक्ति के साथ ऐसा किया, ठीक बात है, तो क्या हो गया, क्यों नहीं उसको महसूस हो रहा है? अगर हमने इतने साल किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया हो तो स्नेह की खेती के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे पहली बात आती है कि मेकिंग अ लाइफ टाइम चॉइस। मुझे सारी ज़िंदगी स्नेह की खेती, ये बीज जो हैं बोने हैं, ये निर्णय लेना पड़ता है एक बार ज़िंदगी में कि मुझे ये फसल बोनी है। और आपने जब बोने के लिए शुरू कर दिया, फिर आपके पास में चॉइस नहीं है, बो दिया ऑलरेडी, बाद में जो होगा वो बहुत लंबा काम है। हाँ, मैंने ये समझा कि हम सब आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं, और एक बाप के बच्चे कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। इसमें इधर से आती है बात, उधर से नहीं, वो मेरे से जो भी करें, लेकिन यहाँ से, क्योंकि मैंने समझा ये है चॉइस, इसका मतलब ये है कि मैंने निर्णय लिया, अब
मैं ये बीज बोऊंगी। ये भी हमें अच्छी तरह से समझ होती है कि बीज कोई भी हम बोएंगे, पांच बीज बोएंगे, एक चावल का बीज बोएंगे, एक गेहूं का दाना बोएंगे, तो एक ही दाना उगेगा क्या? एक दाने से दस गेहूं की बाली भी उग सकती है, और हर एक दस में दस दस भी होंगे, तो एक गेहूं से 300 गेहूं भी उग सकते हैं, 300 से भी ज़्यादा उग सकते हैं। तो ये समझ कि मुझे एक से भी मिल सकता है, लेकिन मैं एक बीज नहीं बोऊंगी, बहुत बीज बोऊंगी। चाहे मुझे एक से भी 300 मिल सकते हैं, लेकिन मैं खूब सारे बीज बोऊंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फसल चाहिए, और वो बहुत सारी फसल किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे खुद भी खानी है, गेहूँ खुद भी खाना है, फिर खाते में भी जमा करना है, तो खेती भी करनी है और खाते का भी ध्यान रखना है। इसलिए सिर्फ एक आत्मा के प्रति नहीं ये बीज मिले कि हाँ मेरा पति है ना, अब मैं उसको आत्मा समझती हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा, सिर्फ एक पति ही आत्मा बनाए क्या? बाकी विश्व का क्या होगा? पूरा विश्व आत्मा है। तो जब वो बीज को बोने का मैंने निर्णय किया, तो धरती तैयार करते हैं। तो ये स्नेह के बीज कौन सी धरती में बोए जाते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? बुद्धि रूपी, हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि रूपी क्षेत्र में। आप उनको टच करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन संकल्पों के हाथों से। तो सबसे पहले मनसा सेवा का यंत्र, जिसको कहते हैं ना कुल्हाड़ी या जो भी जिसको बोलते हैं, वो हमारा सबकी बुद्धि पर चले कि ये आत्मा है, ज्योतिबिंदु है, आत्मा है। किसी को बड़ा समझ के आप प्यार से व्यवहार करो, किसी को छोटा समझ के प्यार से व्यवहार करो, वो बीज पकड़ेगा नहीं। छोटा बड़ा, इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं, आत्मा है। वो आत्मा की दृष्टि से ही हमें संकल्प पहुंचाना है, तो वहाँ मेरा बीज जाएगा, उनको महसूस होगा प्यार। बड़ा समझ के किसी को प्यार करने की कोशिश करेंगे, वो तो किसी टाइम फ्लैटरिंग भी लग सकती है, चापलूसी भी लग सकती है, फेवरेटिज्म भी लग सकता है, किसी की पूंछ बन के खड़े ये भी लग सकता है, बड़ा समझ के करेंगे। लेकिन बड़े भी कौन है? आत्मा है। और छोटा समझ के करेंगे तो भी कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है उन्होंने कुछ गलत काम किया, लेकिन आत्मा समझ के करेंगे तो उनके कर्म, उनका अलग अलग व्यवहार हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। तो मैं हर एक आत्मा जिसके भी संपर्क में आई, मेरा तो काम ही है स्नेह की खेती करना, उसके लिए कर्म अलग अलग हैं। कोई डॉक्टर बन के कर रहा है, कोई इंजीनियर बन के कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? खेती कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही खाता हमें आगे खाना है। हम पति पत्नी के रूप में होंगे आत्माओं के साथ,
बाप बेटी के रूप में होंगे, संबंध तो होंगे ना, तो वो खाता कहाँ से भरेंगे? सबके साथ, यहाँ कोई किसी को बैठ के पकड़ नहीं जाना, आप सतयुग में मेरे बेटे बनना, आप सतयुग में मेरे ना। ये यूनिवर्सल अकाउंट है, ये किसी आत्मा में नहीं खोला जाता है, ये ड्रामा का नियम है, ये किसी मैन मेड ऑपरेशन के अंडर ये अकाउंट नहीं खुलता है। कोई भी व्यक्ति इसको ऑपरेट नहीं करता है, भगवान भी इसको ऑपरेट नहीं करता है, ये यूनिवर्सल नियम है। आप खोलो खाता, बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। अच्छा, आपने बीज बो दिए और अगले दिन एक हफ्ते के बाद सोचा कि अब तो मैं जाके फसल इकट्ठी कर लूँ। स्नेह का जो फल होता है वो स्नेह होता है, सहयोग होता है, अनेक प्रकार की प्राप्तियाँ होती हैं, केयर होती है, प्रोटेक्शन होती है। अब आप गए और वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं, फिर आप कहते हैं तो बेकार है, आजकल ये खेती चलती नहीं है। तो ये तीसरा नियम है खेती का, कि जब भी फसल बोई जाती है, बोने में और उसके पकने में, पानी देना, उसकी रक्षा करना, अनेक प्रकार की चीज़ों से बचाना, आपने किसी आत्मा के प्रति ये भावना रखी, यह आत्मा है, यह आत्मा है। कोई तो रोल कर रहे हैं, आप वो रोल करते करते कुछ ऐसी बात आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बार हो गई, दो बार हो गई, अब वो फसल अभी पकी नहीं, पानी देना है। पानी देने को क्या कहते हैं? इरिगेशन करते ना, अब इरिगेशन के बजाय इरिटेशन हो रही है आपको कि ये कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। नहीं, फसल बोई है, वो वहाँ कुछ भी होता रहे, आपको साफ करना है, ये अंतर है। मनुष्य के रूप में जब हम किसी को देखते हैं, हम समझते हैं कि ये व्यक्ति गिल्टी है, दोषी है, इसने ऐसा व्यवहार किया। लेकिन जब किसान फसल बोता है तो वहाँ कीड़े उगते हैं, तो वो धरती को और फसल को नहीं कोसता, वो सोचता है, प्लान करता है, अब कीड़ों को मारूं कैसे। तो किसी ने मेरे स्नेह के बीज बोने के बाद भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम रुक गए, इन्होंने तो ऐसा, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको तो पता ही नहीं कि मैंने स्नेह के बीज बोए। और ही धन्यवाद करना चाहिए, इतने लोग मेरे आसपास हैं और मुझे मौका मिला है बीज बोने का। लेकिन अब ये कीड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग का कीड़ा, डाउट का कीड़ा, ये सब खरपतवार, कोई ऐसी है खेती जिसमें बीज डालो और फसल आए और खरपतवार आए ही नहीं, कीड़े पड़े ही नहीं? इम्पॉसिबल। आप बीज बोते हैं और खरपतवार आपे ही उगते हैं, वो बोए नहीं जाते। आप कहेंगे मैंने तो ऐसा ही कुछ किया ही नहीं, ये कैसे हो गया? अरे भूल क्यों गए, खरपतवार भी तो बोए नहीं जाते ना, अपने आप आ जाती है। आप क्या ये सोच के बैठते हो मैंने तो बोई नहीं अब मैं क्यों काटूं? नहीं, ये आपका फील्ड है। इस आत्मा के साथ आपने इन इन जिनके साथ भी आपके कर्म हैं, आप ये बीज बो रहे हो, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको आपको ख़त्म करना है। तो ये समझ, और फिर साथ साथ कि बोई है अभी,
लेकिन ये सब करने के बाद अगला सीज़न जो मिलने का जो सीज़न होता है वो वही सीज़न नहीं होता है. एग्री? दिखाइए हाथ, एग्री हैं सब? ठीक है. संगम है खाने का या बोने का, पाने का या बोने का? बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ. अच्छा, मुझे कहाँ से मिलेगा स्नेह फिर? अच्छा, मैं बस देती जाऊँ? हाँ देती जाओ. अच्छा, मैं ही देती जाऊँ? हाँ देती जाओ. बाबा मुझे ही देना है क्या? हाँ बच्ची देती जाओ. बार बार बाबा के सामने आके खड़े होकर के कि अच्छा बाबा मेरे साथ ऐसा किया फिर भी? हाँ बच्ची. सुनाई देते हैं? तो जो बाबा के पास जाते हैं उनको सुनाई देगा, जो एक दूसरे के पास जाते हैं उनको ये सुनाई नहीं देगा. अगर मेरी खेती में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बीज मुझे किसने दिए? किसने दिए बीज? बाबा ने. मेथड किसने सिखाया? बाबा ने. और प्रॉमिस किसने किया कि फसल आएगी तो किसके पास जाना पड़ेगा? ये लो आपके बीज बेकार हैं. तो कहेगा बाबा के बीज बेकार हैं क्या? खुद वो प्यार का सागर है, उसको देखते ही लगता है कि ये खेत, वो तो खुद सारी खेती वो दिखाई देती है कि नहीं बाबा की इमेज में. तो इसलिए ये समझ कि अभी नहीं मिलेगा, फसल पक रही है, बन रही है, वो ऑलरेडी मेरे 2500 साल के खाते में ऑलरेडी, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योर हो गई है. वो पकेगी जरूर. मुझे अभी क्या करना है? सिर्फ जो भी खरपतवार आती जाए काटते जाओ, कीड़ों को मारते जाओ, इरिटेशन नहीं इरिगेशन, पानी देते जाओ. और पानी कैसे देना है? इकट्ठा करना है. यानी कि बरसात तो पड़ी नहीं, तो आपने खेती जब की थी आपको पता था पानी की ज़रूरत पड़ेगी. जब बरसात पड़ी थी तो इकट्ठा कर लेते थे? तो इसमें भी, पानी में भी, इरिगेशन में भी ये समझ होती है कि टू मच एंड ऑल टुगेदर. कई बार हम टू मच समय भी दे देते हैं, टू मच अटेंशन, टू मच प्यार, सब कुछ टू मच एक्सपेंडिचर भी कर दिया, फिर परेशान होते हैं. टू मच कोई भी फसल को ख़राब कर देता है. रोज़ चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, टाइम से चाहिए, रोज़ चाहिए. जो भी हमारे आत्मा इस संपर्क में हैं वो मांगेंगे नहीं, अपने आप खेती मांगेगी नहीं, पानी दो ना मुझे मैं सूख गया हूँ. ये समझ चाहिए, रोज़ चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा. और ये सुबह बाबा ने कहा सुबह सुबह जिनके भी आप संपर्क में हैं उनको बैठ करके आप दृष्टि देते जाइए, इमर्ज करिए बाबा के सामने, लाग बाबा आपके बच्चे हैं, ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी आपके बच्चे, बाबा ये सब संतुष्ट रहें, बाबा सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें, बाबा सबका जीवन आपके साथ जुड़ा रहे. रोज़ बैठ करके पानी देना है. तो बाबा ने, मम्मा ने इतना पानी दिया, दादियों ने इतना पानी दिया, जो 82 साल तक ये खेत चल रहा है. ताली तो बजाएं. 82 years.
और कितनी खरपतवार आई है, कितने कीड़े आए हैं, कितनी दीमक लगी है, लेकिन किसी भी बीज बोने वाले ने ये नहीं कहा ये हमसे नहीं होता। अगर बाबा ये कहता ये मेरे से नहीं होता, हम होते? मम्मा ये कहती, दादी ये कहती, ये मेरे से नहीं होता। लेकिन अभी तक भी वो आत्माएं जहाँ भी हैं अपने इस खेत को शक्ति दे रही हैं और पालना कर रही हैं। तो वो इतना खेत, मेरा बाप निराकार और साकार इतना बड़ा खेत बना सकता है? मैं कम से कम एक बीघा ज़मीन में तो बनाऊं। मेरा पिता तो विश्व में ही बना खेती कर रहा है, पूरे विश्व की आत्माओं को स्नेह दे रहा है। मैं कम से कम एक परिवार में तो कर दूं, पॉसिबल? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतनी तो फसल तैयार कर दूं कि 20 साल 25 साल जिनके भी मैं संपर्क में हूँ, लेकिन सब सुन रहे, लेकिन यस नो, लेकिन एक भी दुश्मन ऐड नहीं हुआ मेरी लिस्ट में, ये रिकॉर्ड बना सकते हैं? दुनिया वाले गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाते हैं, हमें कौन सा रिकॉर्ड बनाना है? नो एनिमी, नो एनिमी। मैं जब से मैंने ये खेती करनी शुरू की, कुछ भी हुआ, चलो फसल तो तैयार जब होगी सब होगी, लेकिन खेती करते करते एक भी दुश्मन नहीं बनाया। और आएंगे वो सिचुएशंस आएंगे, लेकिन मुझे दुश्मनी में परिवर्तन तब होगा जब मुझे भूल जाएगा ये आत्माएं, मुझे नाम रूप दिखाई देगा। जैसे ही नाम रूप दिखाई दिया तो फसल को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन माया को पानी मिलेगा। और माया क्या बनाती है? दुश्मन बनाती है, माया दोस्त नहीं बनाती, ठीक है? तो इसलिए स्नेह की खेती को पूरे संगम, बीज को मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा हैं। अभी आप एक सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आप एक दूसरे की तरफ टर्न होकर के देखिए, ये आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है। देखिए, टर्न होके देखिए, चाहे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, कि हम सब आत्माएं, ये मीठी आत्मा मेरे बाबा का बच्चा है, बहुत पवित्र है, शुद्ध है, और बाबा को इस बच्चे से बहुत प्यार है। मुझे इस आत्मा को, हर आत्मा को बहुत शुभावना देनी है। एक एक बच्चे को बाबा बहुत प्यार करते हैं, ये मेरा परिवार है, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। तो अभी बैठ करके वापस, हाँ भाई आपस में हैंडशेक कर लें, गले भी मिला लें भाई लोग, वेरी गुड।